राहुल गांधी अते विरोधियों का भाजपा ने पुतला फूकिया है। दरअसल पंजाब भाजपा प्रधान सुनील जाखड़ दे वलों मिले दिशा निर्देशों के उत्ते भारतीय जनता पार्टी की स्थानक इकाई दे वलों अज होशियारपुर विखे स्थानक घंटाघर विखे राहुल गांधी अते विरोधी धिरां दा पुतला फूकिया गया है ते जम के नारेबाजी की गई है। इस मौके जिथे वख-वख आगुआं ने संबोधन किया ते उत्थे उन्हां ने कहा कि राष्ट्रपति जगदीप धनखड़ दा जिहड़ा मजाक उड़ाया गया है उस राही लोकतंत्र दा कान किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट आज दी आवाज। आज आप लोगों ने पुतला फूका क्या कारण? आज का ये रोश मार्च उन बेहुदा लोगों के अगेंस्ट हुआ जिन लोगों ने उपराष्ट्रपति के प्रति जो बेहुदा टिप्पणियां की या मुमिक्री करने की कोशिश की। आज लोकतंत्र के ढांचे के ऊपर जिस तरीके इन्होंने उपहास करने का प्रयास किया उसके कारण आज प्रत्येक प्रांत में प्रत्येक शहर में जिस तरीके से भाजपा हमारे कार्यकर्ता इनके प्रति रोष प्रकट कर रहे हैं ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि ऐसे मिमिक्री की जाए और इस तरीके से उपहास उड़ाने की भाषा का प्रयोग किया जाए। पूरे भारतवर्ष में आज जिस तरीके से श्री मोदी सरकार विकास के कार्यों को या जिस तरीके से नए नए आयाम स्थापित कर रही है उन बातों से ये लोग घृणा करते हुए ईर्ष्या करते हुए लोकतंत्र के ढांचे को नहीं चलने देने के कारण जिस तरीके से इन्होंने उपहास उड़ाने की कोशिश की उसके प्रति यह रोष मार्च है और ये रोष मार्च उन लोगों के प्रति हमेशा प्रत्येक व्यक्ति की भावना रही है। प्रत्येक शहरवासी इस प्रति सोच रहा है कि ऐसे लोगों को दंडित करना चाहिए। प्रत्येक पूरे भारत में इनको लोगों को दंडित किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को दंडित किया जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को उतारा जा रहा है, लेकिन फिर भी ये लोग अपने व्यवहार को जिस तरीके से इन्होंने सदा के लिए अपना व्यवहार बना रखा है उस व्यवहार को छोड़ते नहीं हैं। लेकिन आने वाले 2024 के इलेक्शन में भी जिस तरीके से इन्होंने भारत का उपहास उड़ाने की कोशिश की, भारतीय संस्कृति का उपहास उड़ाने की कोशिश की, जो हमारे उपराष्ट्रपति जी का उपहास उड़ाने की कोशिश की या प्रधानमंत्री जी के किए कार्यों को उपहास उड़ाने की कोशिश की, जो भारत की प्रत्येक जनता के एक एक सदस्य इन लोगों को बुरी तरह से नकार देगा और 2024 का इलेक्शन भी भारतीय जनता पार्टी 400 सीटों से आगे जीतकर आगे बढ़ेगी। सर, विपक्ष के सांसदों के प्रवक्ता का कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर सभापति जी या स्पीकर साहब कार्यवाही को अंजाम देते हैं। कार्यवाही बेशक सभापति करते हैं, उपराष्ट्रपति करते हैं, वो बात अलग है, लेकिन यदि वहाँ पर विपक्ष उद्दंडता करेगा, विपक्ष कोलाहल करेगा, विपक्ष वहाँ पर अमर्यादित भाषा यूज़ करेगा तो सभापति को भी अपनी मर्यादा में रहते हुए जो वहाँ का संचालन करते हैं उनको अपनी मर्यादा में रहते हुए अपना कार्य तो करना पड़ेगा क्योंकि वो किसी भी तरीके से लोकसभा की मर्यादा को भंग कर रहे हैं और लोकसभा को चलने नहीं दे रहे। एक सम्मानित चेयर की मिमिक्री की जाती है, उसके बाद वीडियो बनाकर वायरल किया जाता है, वीडियो की प्रक्रिया को कैसे देखते हैं? राहुल गांधी ने जिस तरीके से उस वीडियो को शूट करके वहाँ पर उसको प्रचारित करने का प्रयास किया है, राहुल गांधी जिस तरीके के कांग्रेस के कद के नेता हैं, भारत के नेता हैं, लेकिन उनको ऐसी अमर्यादित भाषा का और अमर्यादित जो व्यवहार किया वैसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अल्टीमेटली विपक्ष के नेता की वैसी ही जिम्मेदारी होती है जैसे लोकसभा में प्रत्येक व्यक्ति के प्रत्येक सदस्य की जिम्मेदारी होती है। इस तरीके की जिम्मेदारी को निभाना, इस तरीके से अव्यवहार को निभाना ये बुरी बात है और विपक्ष के नेता को कहीं भी ये अच्छा नहीं लगता।